दीदी ये पत्ता होता कोन चीज करे तोरे छे पत्ते ले लगे छे भैया हम ब्रह्मास्त्र बना रहल छी कीड़ा लगे छे एकदम मुख के बहुत अच्छा दवाई छे ओ फसल में दीदी कीड़ा लगे छे ना हां उससे कीड़ा दी गैसिंग करला के बाद जे छे ना कीड़ा के नष्ट कर दे छे दीदी हमने तो समझ लिए की अपने साग उग बनबई छी ई नहीं भैया ई साग नहीं छी ई दवाई बना रहल छी एकरा से स्प्रे करबे तो कीड़ा खत्म मर जेते तब तो अच्छा चीज छे दीदी हां भैया बहुत अच्छा चीज नहीं तब एकरा सिखाई दियो हमरो दीदी हमरा सिखनाई जरूरी छे दीदी ठीक छे भैया हां बैसू हम सिखाई दीदी ब्रह्मास जे बनबै छिए ये कोन कोन चीज के पत्ता छिए हमरा तो समझे में नहीं आ रहल छे दीदी एको नहीं छे भैया हमें बताबै छी अहां के हमरा बतियो ई भ गेल धथूरा के पत्ता ई धथूरा हले हां भैया धथूरा छिए हां एम तो फूलो छे दीदी हां और ई भ गेल के पत्ता ये अंडे के पत्ता छिए हां अरे अंडियो के पत्ता लगे छै ने दीदी और ये भ गेल अमदूर के पत्ता ई लताम जकरा बोले छै हां लताम जकरा बोले छै और ये भ गेल नीम के पत्ता हां एकरात कुछ कुछ जानै छै दीदी अपनो इधर होय छै नीम के पत्ता इत जानै छै और ये भ गेल करमी के पत्ता करमी घास उजे होय छै बिहार में दीदी हां वही छै करमी ओकरो लगे छै कोन हां और ये भ गेल बेल के पत्ता ई बेल के छिए हां गौमूत्र छिए हां आ ई कथी रखले छी दीदी आ ई फल छिए भैया एला की होते ई सब पत्ता के जे छै ना ई मीठा फल भ गेले ई सब पत्ता के हम दा के जे छै ना उठबे एकरा ई एकरा ई पत्ता देने बतलिए अपने के छी पपीता के पत्ता ओ ई पपीता छी देखियो हमे नै चिन्ह सकलिए पपीता के पत्ता छी ने दीदी पपीता के पत्ता छी ओ त एकरा की करबे आप दीदी सब के जे छै ना एमे दा के कुटबे केना कर के हमरा बतइयो केना करबे ठीक छै भैया दीदी अब ई जे छै केतना केना बनेबे ई बतलिए हमरा हां भैया बता रहल छी ई जे छै भैया 200 ग्राम अमरूद के पत्ता जे छै एमे दा दे छी 200 ग्राम अमरूद के पत्ता हां और भैया ई जे अच्छा दीदी जितना भी पत्ता छै ना ई 6 गो पत्ता छै इसमें से 1 गो पत्ता कम भी रहते ना त 5 गो पत्ता अगर मौजूद छै त हमर ई ब्रह्मास्त्र बन जेतै और जो भी पत्ता छे सिर्फ 200 ग्राम लगते हैं और नीम के पत्ता 300 ग्राम लगते हैं नीम 300 लगते हैं ई सब 200 जैसे दीदी हमरा एक करमी घास नै उपलब्ध होले त हम एतना गो चीज से बना सके छिए नै भैया जैसे करमी तो मौजूद रहने जरूरी छे ई सब पत्ता में जे छे ना कोनो एगो नै रहते ना तो बन सके छे और करमी पत्ता से आपके कहीं भी आहा के मिल जेते मिल जेते हां कहीं भी मिल जेते दीदी हमें मदद कर दिए अपने के हमरा खाली बतइयो कि हमें करे छी करियो की देले मीठा फल दीदी हां मीठा फल छी ओ यो लगते ना हां दीदी इतना महीन कर लिया आरो हते की भैया दू चार बार और लगबे त इतना न महीन करे के छै टूटे के छै कि सजमैन के लट्ठा के तरह पूरा चोखा के तरह बन जेतै ई हां एरा मार तब दिए कथि ने दीदी अब होलै आरो कुटे हता है हां भ गेले भैया भ गेले ई जब आप तैयार हो गेले एरा हम की करबे आप भैया ई जे छे सब के निकाल करके ए बर्तन में दे के छे और ई 1 लीटर गौमूत्र छे भैया तारो छे एकरा निकाल दिए ने हां निकाल दिए 1 लीटर गौमूत्र छे ई सब टाइम में मिलाबे के छे
और ये गाय का गोमूत्र छिए हां गाय के छिए एकरा मिलाई देबे हां से दीदी त अब एकरा गोमूत्र भी मिलाई देलिए त अब एकरा तैयार भ गेला की करबे एकरा भैया ई तैयार नै भेल छे ओ ई तैयार नै भेलै अभी नै एकरा चूल्हा पे ले जाके जे छै गरम करै के छै ओ चूल्हा पर हां चलियो हम अभी गरम कर भैया और जलावन और इस एकरा छे ना मैं आई पर अभी गरम करबे एकरा गरम करबे आप दीदी ना हां आप भैया हम ई चूल्हा छिए चूल्हा जलावे छिए बात समझ ली जीवाणु कीटाणु सब मर जेते ज्यादा नहीं खोलाबे के छे बस भफैते उतार लेके छे ओ एकरा में मतलब जीवाणु मरे के नहीं चाहिए इतना को गरम करे के चाहिए ज्यादा गरम नहीं कर दे उतार देवे दीदी ना हाँ भफाए गेल छे भैया हाँ अभी जे छे भाप निकलल छे ई ठंडा जेते तो फिर ए पर चढ़ेबे इसी तरह तीन बार करे के छे ओ एकर भाप त देखै छी ठंडा आइ गेलै दीदी तीन बार करे के छे तीन बेर और हां ओ एकर भाप त देखै छी खत्म हो गेलै त फिर चढ़ाइ देबे एकरा हां एकरा फिर चढ़ेबे उतार के ठंडा के टोटल चार बार हो जाए छे ना चार बार छे दीदी एकरा त चार बार गरम कर लेलिए अब एकरा की करबी तैयार हो गेलै एकरा जे छै ना 48 घंटा के लिए छायादार जगह पर रखे के छे ओ छायादार जगह पर धूप में ना नहीं धूप में नहीं सिया नीलू दीदी घर में हाँ भैया घरे में छिए दीदी बोला लिए कि 48 घंटा के बाद ओकरा ठंडा 48 घंटा छायादार जगह हम रखबे तू तो पुर गेल 48 घंटा दीदी अब ओकरा की करबे आप सूती कपड़ा में छन भैया ओकरा छाके के छ चलू अभी छाके छ हम बता दे छी ठीक है दीदी हमरा बता दियो ई बर्तन छिए भैया और ई सूती कपड़ा छिए अब जे छ एक में छानबे में एरा में छानबे हां कैसे छानबे दीदी ए बतबै छी भैया भैया ई रंग के भी होय छे और हल्का भूरा भी होय छे देखै छियै पूरा कलर हां हां कलर त एकर साफ लगै छे हरा रंग के दीदी हां और या हल्का भूरा भी रंग होय छे एकर ने हां
अच्छा दीदी ये आप तैयार हो गए एरा खेत में हम डाल सके छिए। हां भैया ये तो तैयार भए गेल एकरा तो अभी हम खेत में डाल सके छिए। और जे बच जते ना ओरा 6 महीना के लाग जते ना घर में रख देबे मतलब 6 महीना तक ही काम कर सके। 6 महीना तक ही काम करता है खराब नहीं होता है? नहीं नहीं होते खराब 6 महीना तक। तब तो हम अगलो फसल में कर सके छिए। दीदी सब तो बता दिलिए बतलिए कि अभी कितना खेत में हम डालब भैया 4 कट्ठा के लागी छे। 4 कट्ठा के? हाँ, और 40 लीटर पानी में मिला करके 4 कट्ठा फसल में दे सके छे। में 40 लीटर पानी में मिले एकरा? हाँ। और तब 4 कट्ठा फसल में हम डाल सके छे स्प्रे कर सके छे ना दीदी? हाँ। दीदी अच्छा ई कोन कोन फसल में डालबे? ई भैया हम जे छै सब्जी साग सब्जी जते भी छै कद्दू भेले और आलू भेले मटर भेले जो भी साग सब्जी छै ना सब कुछ में गोभी पालक सब कुछ में हम डालै छियै। और मकई गेहूं मतलब टमाटर जितना साग सब्जी खाय वाला जितना छै सब में डाल सकै छियै। हां भैया इससे छै ना हम लोग के जे छै शरीर में कभी भी बीमारी नाम करै छै ना साइटे कभी जे छै बीमार तो भी सब पड़ै छै और मार्केट के जे खरीद के खाय छलिए ओइ से अधिक परेशानी होय छलिए। ई त सब अपने जे छै त घरेलूए चीज सब उपलब्ध कर लेलिए ऐसन दवाई दीदी तो बहुत अच्छा काम करै छी अपने। कितना दिन से करै छी दीदी? भैया ई हम 2 साल से कर रहल छियै। 2 साल से? जी भैया घरेलू चीज से ही काम कर रहल छियै और जानै छियै ई पैसा जे छै बाजार में खरीदै नै पड़ै छै घर के चीज सब ई सामान बनाय लै छियै सब पैसा टोटल बच जाय छै। ओ जे कीड़ा मरे वाला दवाई हमे सब बाजार से खरीद के लाग दै छियै दीदी? जी भैया। ओ दवाई दे के नै छै जरूर त हानियो करै छै। हां खूब हानि करै छै। ओ अनाज खाय छियै त हानि भी करै छै। ई में त हानियो नै करतै दीदी? नै हानि नै करै छै। क्रास त स्वास्थ्य भी अच्छा होतै दीदी आ पर्यावरण भी अच्छा होतै ई दवाई। बहुत अच्छा होय छै भैया। ओ त अपने 2 साल से करै छियै दीदी? हां भैया हम 2 साल से करै छियै। तो हमें बुझियो का जनाब हमोर प्रचार करबे जाय के दीदी कि ऐसन करते दीदी सब जो बढ़िया फसल होते स्वास्थ्य भी अच्छा होते पर्यावरण भी अपन अच्छा रहते। जी भैया। दीदी इतना चीज अपने हमरा सीखे लिए एकरा लिए दीदी अपने का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी हम जाय छी अपना अभी बनाए के स्प्रे करबे अपन फसल में और हम सब दीदियों के भी बतेबे गांव में जितना खेती करते सब के कहबे कि ब्रह्मास्त्र बनाए के खेत में छिड़काव करो हर चीज से फायदा रहता। ठीक है भैया जाइए सबके सिखाइए।